नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एटीजेड। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बहराइच भी हुआ सतर्क। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बहराइच प्रशासन भी चौकस हो गया है, कहीं कोई अप्रिय घटना न होने पाए इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी शंभू कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर क्षेत्र में लगातार भ्रमण किया जा रहा है व लोगों को अफवाहों एवं अराजक तत्वों से सतर्क रहने व आपसी भाईचारा सौहार्द को बनाए रखने हेतु लोगों से अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी बराबर नजर रखी जा रही है। समाचार रेडियो चैट के लिए बहराइच से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में जनपद बहराइच के प्रशासन और पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता जनपद बहराइच की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द है। इसी के दृष्टिगत जो अराजकता या भ्रांतियां अराजक तत्वों द्वारा, शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों द्वारा, अपने राजनीतिक या स्वार्थ के द्वारा ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसी के मद्देनजर आज ये रूट मार्च किया गया है। जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, अराजक तत्वों के मन में कानून का भय पैदा हो, इसलिए आज ये रूट मार्च निकाला गया है। पुलिस के द्वारा अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तत्वों पर नज़र रखी जा रही है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उनकी सूचियां तैयार की जा रही हैं, जिनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से या घर घर जाकर के, दुकान दुकान जाकर के दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस विशेष रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि भारत की संसद ने पास किया है, उस संबंध में लोगों में विश्वास जगाने के लिए ये रूट मार्च किया गया है। आने वाले दिनों में भी हमारे द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि जिस तरह वर्ष 2019 में पूरे साल सभी आयोजनों में शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है, सौहार्द बनाए रखा गया, उसी प्रकार आने वाले दिनों में भी जनपद बहराइच में शांति व्याप्त होगी और सभी लोग इसमें प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। अराजकता फैलाने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? अराजकता फैलाने वालों के लिए हम लोग यही चेतावनी देना चाहेंगे कि जनपद बहराइच के शांति प्रिय लोग अब इस बात को जान गए हैं कि उनके जो मंसूबे हैं उनको कतई हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। सभी लोग मिलकर के शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग दे रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा कोई भी ऐसी घटना या ऐसी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर सख्त दंडित कानून करने के लिए, चाहे वो NSA की कार्रवाई हो, चाहे वो गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयां उनके ऊपर की जाएंगी। हर हालत में हम लोगों द्वारा शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था कायम रखी जाएगी, ऐसा भी सुना गया। देखिए, नजर रखने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की जा रही है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। CCTV कैमरा सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और कानून का उल्लंघन करने वालों पर हमारे द्वारा ग्रीन स्कीम, जो हमारी दंगा नियंत्रण जो योजना है, उसकी ग्रीन स्कीम भी लागू कर दी गई है। पूरे शहर को जो है वो सेक्टर और जोन में बांटा गया है, जहाँ पर सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी, जोनल मैजिस्ट्रेट लगातार 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि जनपद बहराइच के सभी वासी हमारे इस अभियान में हमारा सहयोग करेंगे और शांति बनाए रखेंगे।